नमस्कार, आप देख रहे हैं थारू समाचार। पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस समय कोरोना का भय लगातार बना हुआ है। बीते 24 घंटे में ही 3 लाख से ऊपर हमारे देश में कोरोना पेशेंट आए हुए हैं। हम अभी इस समय मौजूद हैं खटीमा शहर में। खटीमा उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के तराई में एक जाना माना शहर है। खटीमा राज्य आंदोलनकारियों की भूमि है। यहाँ के लोगों ने राज्य को बनाने के लिए आंदोलन किया था। हम आज खटीमा शहर में मौजूद हैं। यहाँ हम व्यापारियों से जानेंगे कोरोना काल में उनका व्यापार कैसा चल रहा है। अंकल जी, अभी ये समोसे तल के रखे हैं आपने गरम गरम, कैसा चल रहा है अभी? मद्दा चल रहा है, कैसा चल रहा है? अरे साहब, बहुत मद्दा चल रहा है बाज़ार में, पब्लिक आ नहीं रही है। 2 बजे तक का टाइम दिया है, तो उसमें क्या दुकानदारी का टाइम होता है, जब तक तो सब बंद करवाने लगते हैं। 2 बजे बंद हो जाती है। कोरोना का खौफ कैसा चल रहा है? अरे कोरोना का खौफ बहुत तेज चल रहा है, जनता इतनी डरी हुई है, मार्केट में नहीं आती है जी। देखिए, अभी अंकल जी की ये दुकान है, समोसे तल के बेचते हैं अंकल जी। अंकल जी का कहना है कि कोरोना का खौफ चल रहा है, मार्केट 2 बजे बंद हो जाती है। कोरोना का कैसा चल रहा है भाई साहब? भाई कोरोना का बहुत बुरा हाल चल रहा है। 2 बजे मार्केट बंद हो जाती है और 2 से 1 बजे के मार्केट में सूना पड़ जाता है। जितने जनता नज़र आ रही है, जनता सब गायब हो जाती है यहाँ से। और हालांकि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि एक तो व्यापार वैसी मद्दा है, ऊपर से 2 बजे मार्केट बंद हो रहा है, तो कोरोना के लिए भी सावधानी बरतनी है। तो गवर्नमेंट का भी कहना है कि 2 बजे भी दुकानें बंद हो जाएंगी तो भीड़ भाड़ कम होगी, कोरोना कंट्रोल में रहेगा। नहीं, कोरोना कंट्रोल रहेगा, और जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ कंट्रोल को नहीं हो रहा है कोरोना भाई। वहाँ तो जम के प्रचार चल रहा है, जहाँ इलेक्शन चल रहा है वहाँ कोरोना कंट्रोल क्यों हो रहा है? यहीं कोरोना हो रही है आज़ाद है क्या? गरीब आदमी व्यापारियों पर गाज गिराई जा रही है। 2 बजे मार्केट बंद हो जाता है, जबकि कम से कम 5 बजे तक तो टाइम होना चाहिए था मार्केट बंद होने का, और आज मार्केट 2 बजे बंद कर दिया जा रहा है। एक तो वैसी व्यापारी परेशान है, कारोबार डल पड़ा हुआ है, और ऊपर से कोरोना काल ने और कारोबार खत्म कर दिया है बिल्कुल। आपकी काय की दुकान है? मेरी मोबाइल शॉप है। मोबाइल शॉप और घड़ी शॉप। तो 2 बजे शॉप बंद होने से बिल्कुल डल हुआ पड़ा है, सूना पड़ जाता है। ऐसा होता है मार्केट में, जैसे कर्फ्यू लग गया है, जब मार्केट बंद होता है तो बाहर के व्यापारी सब चले जाते हैं, व्यापारी कोई नज़र नहीं आता है, व्यापारी भी नज़र नहीं आते, प्लस जो कस्टमर हैं वो भी सब भाग जाते हैं, क्योंकि मार्केट बंद सूना पड़ जाता है, तो सब कस्टमर भी चले जाते हैं यहाँ से जी। देखिए, व्यापारी भाइयों का कहना है कि 2 बजे के बाद जब दुकानें बंद हो जाती हैं तो व्यापार उनका बिल्कुल डल पड़ जाता है। अभी हम फल वाले अंकल से पूछते हैं। अंकल जी, कोरोना का कैसा चल रहा है खौफ, बताइए अंकल जी। देखिए, अंकल जी ने कुछ बोला नहीं। आइए औरों से पूछते हैं हम। ये तार को थोड़ा सही से कर लीजिए। मैम, कोरोना का कैसा खौफ चल रहा है खटीमा में? चल रहा है भैया, बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। ये देखिए अंकल जी की, यहाँ पे ये चाट भंडार है, टिक्की बतासों की दुकान है। अंकल जी, कैसा चल रहा है व्यापार? 2 बजे के बाद बंद हो जाती है दुकान। बंद हो जाती है और दुकानदारी कम है। दुकानदारी कम हो रही है, तो कोरोना की वजह से तो करना ही है ना 2 बजे बंद। क्या कहोगे, क्या कर रहे हैं? दहाई कम से क्या करोगे? सरकार ने सही किया, गलत हो रहा है आपके साथ? गलत क्या, वो मैं दुकानदार कम है तो ऐसे ही, दुकानदार कम ना, दुकानदारी कम है तो गलत ही हो रहा है, ये कह रहे हो आप? अच्छा अच्छा, दुकानदार कम है। तो ये दुकान आपने कितने बजे से लगा के रखी है? सुबह सात बजे से। दुकानदारी कितनी हुई अभी? अभी 200 रुपये बेचते हैं। देखिए, अभी अंकल जी का कहना है कि मार्केट बिल्कुल मद्दा ही चल रहा है। देखिए, ये कैमरामैन को कहना चाहूँगा मैं, पीछे विजुअल दिखाइए, मार्केट में अभी इतनी भीड़ भाड़ नहीं है। देखिए, कोरोना की वजह से भी लोग कम ही बाहर निकल रहे हैं, मार्केट का इतना दौरा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये अंकल जी, जी अंकल जी, कैसा चल रहा है मामला? अरे बहुत ही बुरा चल रहा है भाई, पब्लिक नहीं आ रही, दुकानदारी आधी भी नहीं रही पहले से है। जब दुकानदारी टाइम होता पब्लिक आ गया, लॉकडाउन लिया था 2 बजे से, अगर 6 बजे तक लॉकडाउन होता शाम तक का तो कुछ गुजारा हो जाता छोटे मोटे आदमियों का। यही अपील है बस सरकार से। ये आपकी दुकान है ना? मेरी ये फ्रूट की है। अच्छा, ये फ्रूट की है। ये देखिए अंकल जी की फ्रूट की दुकान है। कह रहे हैं कि बिल्कुल डल हुआ पड़ा है, मद्दा चल रहा है, कि दुकानदारी बिल्कुल ठप हुई पड़ी है।
देखिए मार्केट में भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, अभी कोरोना काल चल रहा है। मैम कैसा चल रहा है कोरोना का घर? कोरोना का घर चल ही रहा है भैया, और मेरी फोटो भी कैसा चल रहा है भाई? सब बढ़िया। देखिए कोरोना की वजह से भीड़ भाड़ कम ही है अब यहाँ पे, और लोगों से बात करते हैं हम, क्या कहना है लोगों का? जी देखिए लोग बुला रहे हैं, पूछते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं वो। जी सर कोरोना की वजह से कैसा चल रहा है मार्केट? मार्केट भी ठंडा चल रहा है भैया, बस कोरोना चल रहा है इस टाइम, मार्केट में काम तो चल ही रहा भैया। तो चल ही रहा है। हाँ तो खुश हो आप? क्यों आप खुश हो भाई साहब? नहीं हम तो क्या खुश होंगे भाई, कोरोना के लिए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है कि 2 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी। नहीं वैसे सरकार ने सही किया है, थोड़ा बहुत काम चल ही रहा है, कम से कम आदमी का चोला चौका चल ही रहा है भाई साहब। 2 बजे तक टाइम से अगर पूरा बंद कर देते तो ऐसे भी हाथ धो बैठे थे। सरकार से हम सहमत है इस बात से, बिल्कुल सहमत है भाई साहब। देखो कोरोना का तो बचाना ही है ना, अब 2 बजे दुकानें बंद हो जा रही हैं तो इस वजह से कोरोना भी कंट्रोल में रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये 2-3 घंटे मिल रहे हैं, ये भी ऐसा हो रहा है कि अपना आदमी अपना चावल चुके का काम कर ही रहा है, मजदूर आदमी पूरे नहीं कमा रहा है तो आधे कमा रहा है, इससे भी सही रहेगा क्योंकि बच्चे भी बच्चे हैं सब, गरीब आदमी मिडिल क्लास ज्यादा है जुने के अंदर। हाँ तो इसके लिए 2-3 घंटे मिल रहे हैं, ये भी सही मिल रहे हैं, अगर वरना अगर ये भी ना मिलते तो फिर इससे हाथ धो बैठता आदमी, फिर क्या करता आदमी, चोरी डकैती करता एक दूसरे को मारता, उससे बेहतर है कि आदमी मेहनत मजदूरी कर रहा है चाहे थोड़े कर रहा है। ये है भैया हम सहमत हैं। जी देखिए कोरोना काल में सरकार ने जो भी गाइडलाइन बनाई है, व्यापारी भाइयों का कहना है कि सब कुछ अब ठीक ही है। कई लोग असहमत भी हैं सरकार से, लेकिन कई लोग सहमति दे रहे हैं सरकार की गाइडलाइन में कि 2 बजे के बाद दुकानें बंद हो जा रही हैं। जी अंकल जी 2 बजे के बाद दुकान बंद कर देते हैं। हाँ। अभी बंद ही होने वाली है 1 घंटे बाद। हाँ। तो खुश हो आप? अरे खुश तो यूँ है कि मर्ज ना बड़ा है, खुशी है और क्या है यार। अब मगर ये है दुकानदार घाक ही नहीं है। हाँ। घाक डर के मारे आता ही नहीं, घाक नहीं आ रहा डर के मारे। हाँ तो कोरोना का डर है तो लोग अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे घर में बैठे हुए सब। अब ये डर है कि यार ये तो ऐसे रोजी रोटी का अब तक क्या होगा यार। नहीं सरकार ने सही किया क्या 2 बजे दुकानें बंद करने का जो आदेश दे रखा है? नहीं 4 बजे तक हो जाता तो सही था, 4 बजे तक कह रहे हैं। 10 बजे से तो आते ही हैं यार दुकानदार खोलने के लिए, और खोलो बंद करो तो बंद ही खोल में 2 बज जाती हैं। कोरोना कैसे कंट्रोल होगा 2 बजे कर दे, 2 बजे नहीं करेंगे तो? कोरोना तो यह तो ये तो डॉक्टर जान दूँ कौन सी भाई क्या होगा, मगर यह दुकानदार हिसाब से तो 4 बजे का पहले 4 बजे लगा था पारा साल, 4 बजे का सही था। हाँ देखिए खटीमा शहर से अभी आप हमें देख रहे थे, राज्य आंदोलनकारियों की भूमि है ये खटीमा, कुमाऊं मंडल के तराई में जाना माना शहर है, यहाँ से आप हमें देख रहे थे। थारू समाचार के लिए कैमरामैन किशन और रुस्तम भाई के साथ मैं राजन राणा, धन्यवाद।